तो आ गया। तो कैसे हो? तो फाइनली दोस्तों, ये है हमारा दूसरा पार्ट, जो कि हमने पहले पार्ट में आपको बताया था 90 वोल्ट से लेकर के एंड 340 वोल्ट का कनेक्शन। एंड इसमें भी हमारा 90 वोल्ट से 340 वोल्ट का ही कनेक्शन है, लेकिन इसमें हमको टाइमर एंड हैकट देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि इसमें टाइमर एंड हैकट का भी इसमें कनेक्शन किया जाएगा, और इसी को ही हम इस वजह से हम इसमें पार्ट टू को बनाए हैं। इसमें वीडियो में बिल्कुल जानकारी से जानकारी मिलेगी आपको, एक एक चीज़ क्लियर एंड कवर होगा कि हमको कब हैकट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब हमको एडजस्टेबल इसमें हैकट करना चाहिए, टाइमर एडजस्टेबल करना चाहिए, सारी चीजें इसमें क्लियर होंगी। बस वीडियो को इसी कंप्लीट देखते रहना भैया, यहां पर आप कनेक्शन करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ, और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपको रिले लेनी है, ये आपको सभी की सभी 24 वोल्ट का ही लेना है। यहाँ पर 5 रिले यूज हो रहा है, आप कनेक्शन को समझिए। तो जैसे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पर दो वायर हमको कनेक्ट कर देना है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, हमको एक वायर से इन सभी पॉइंट को शॉर्ट कर लेना है और इसको बना लेंगे कॉमन पॉइंट। अब हमको क्या करना है, ये वाला पॉइंट और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट और यहाँ पर ये वाला पॉइंट और यहाँ पर ये पॉइंट, इन सभी पॉइंट पर हमको एक एक वायर अलग से कनेक्ट कर लेने हैं। अब भैया आपको नहीं पता चल पा रहा है कहाँ कहाँ पर कनेक्ट होगा, तो भैया प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। यहां पर देख लीजिए बहुत ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से देखिएगा कि कैसे करके हम यहां पर कनेक्ट कर रहे हैं, और इसी प्रकार से ऐसे ही कर दें। भैया यहां पर वीडियो को कंप्लीट ही वॉच करना, यहां पर आपको एक एक चीज क्लियर होगा, बस ऐसे ही देखते रहना यहां पर। अब हमको करना है यहाँ पर शॉर्टिंग, तो हम क्या करेंगे, पहली वाली रिले का एनसी पॉइंट एंड रिले नंबर दो के कॉमन पॉइंट से हमको शॉर्ट कर देना है एक वायर से। बढ़िया तरीके से हमको यहाँ पर शॉर्टिंग करना है, और शॉर्टिंग जितनी भी होगी वो यहाँ पर आपको दिखाई जाएगी, और बढ़िया तरीके से समझिए। अब यहाँ पर हमको दूसरा शॉर्टिंग करना है, दूसरा शॉर्टिंग हमको करना है पहली वाली रिले का एनो पॉइंट एंड रिले नंबर तीन के एनसी पॉइंट से हमको शॉर्ट कर देना है। भैया जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टिंग का ही पूरा खेल है, और इसको समझिएगा तभी आपका ये अच्छा काम भी करेगा। अब यहाँ पर तीसरा शॉर्टिंग को समझिए, तीसरा शॉर्टिंग हमको कैसे कहाँ पर क्या करना होगा। तीसरा शॉर्टिंग हमको करना है रिले नंबर तीन के कॉमन पॉइंट से एंड रिले नंबर चार के कॉमन पॉइंट से हमको शॉर्ट कर देना है बढ़िया तरीके से। मतलब कि जहाँ पर हम शॉर्ट कर रहे हैं इसी को ही बोलते हैं कॉमन। चौथा शॉर्टिंग हमको करना है रिले नंबर चार का एनो पॉइंट एंड रिले नंबर पाँच के एनसी पॉइंट से हमको एक वायर से यहाँ पर शॉर्ट कर देना है बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर पांचवा शॉर्टिंग हमको करना है रिले नंबर दो के एनो पॉइंट से एंड रिले नंबर पाँच के एनो पॉइंट से हमको शॉर्ट कर देना है बढ़िया तरीके से, जैसे कि हमने किया है यहाँ पर। अब ट्रांसफार्मर का समझिए, ट्रांसफार्मर का ये है लूप, और ये जो लूप है ये है हमारा पहला लूप, ये है 137 वोल्ट का, और इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं अपनी पहली वाली रिले के एनसी पॉइंट पे। ये है दूसरा लूप, दूसरा लूप है ये 200 वोल्ट का, और इसको हम कनेक्ट करेंगे अपनी रिले नंबर दो के एनो पॉइंट पे। मतलब कि जहाँ पर ये हमारा शॉर्टिंग है इसी शॉर्टिंग पे हमको यहाँ पर इस तरीके से बढ़िया तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर समझिए तीसरे लूप का, अब ये है हमारे पास यहाँ पर तीसरा लूप, और ये जो तीसरा लूप भाई ये हमारे पास 240 वोल्ट का लूप, और ये जो 240 वोल्ट का जो लूप है इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने कहां पर, ये हमारी तीसरी वाली रिले का एनो पॉइंट। मतलब कि जहां पर हम कनेक्ट कर रहे हैं ये हमारी तीसरी वाली रिले का एनो पॉइंट, यहां पर कनेक्ट कर देना है। अब ये है हमारे पास चौथी लूप, चौथी लूप है ये 290 वोल्ट की, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने यहां पर, मतलब तीसरी वाली रिले के एनसी पॉइंट पे, हमको जहां पर ये शॉर्टिंग है हमारा यहीं पर हम इसको वायर को बढ़िया तरीके से यहां पर जाम कर देंगे, बढ़िया तरीके से फिक्स कर देंगे यहां पर। अब यहाँ पर समझिएगा बहुत ध्यान से, ये है सर्किट, और ये वाला जो सर्किट है ये है सिंगल फेज का सर्किट, 90 वोल्ट से ये 300 वोल्ट में ये काम करने वाला सर्किट है। तो यहाँ पर दो सर्किट यूज होगा, एक ये वाला और एक दूसरा है, वो पता चल जाएगा भैया कौन सा यूज होगा। तो यहाँ पर जो है कनेक्शन को पहले समझिएगा, हमको कनेक्शन कैसे क्या करना होगा, यहाँ पर बहुत ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है
जीरो से 24 वोल्ट, तो जीरो से 24 वोल्ट का मतलब हुआ है कि जो हमारा मेन ट्रांसफार्मर में ये जो 24 वोल्ट का जो एक सप्लाई दिया जाता है, आपके ट्रांसफार्मर में अगर डबल सप्लाई हो, चाहे वो 22 वोल्ट का हो चाहे 24 वोल्ट का, फिलहाल की 24 वोल्ट का सप्लाई होगा आपके ट्रांसफार्मर में, मेन ट्रांसफार्मर में यही वाला सप्लाई हम क्या करेंगे अपने माइक्रो कंट्रोलर सर्किट में दे देंगे। मतलब कि यहाँ पर इसको हम बढ़िया तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर बाकी के कनेक्शन को समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है CO कॉमन, तो इसका मतलब हुआ कि जो पीला वाला जो वायर है हमारा, ये वाला हमने कॉमन जो बना रखा है, यही वाला वायर हम क्या करेंगे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये कॉमन वायर है हमारा। अब यहाँ पर लिखा है इनपुट टू, तो इनपुट टू का मतलब हुआ जो ग्रीन वाला वायर है हमारे पास पहली वाली रिले का जो एक वायर है, यही वाला वायर हम इनपुट टू पे कनेक्ट कर देंगे अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे लिखा है इनपुट वन, और इनपुट वन का मतलब हुआ है कि जो हमारी रिले नंबर दो का जो ये वाला जो वायर है रेड कलर का, यही वाला वायर जो हम यहाँ पर बढ़िया तरीके से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से करना है। अब यहाँ पर लिखा है ओपी, ओपी का मतलब हुआ है आउटपुट, और आउटपुट का मतलब हुआ जो तीसरी वाली रिले का ये जो वायर है हमारे पास ग्रीन कलर का, यही वाला वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर लिखा है सीयूटी, सीयूटी का मतलब हाई कट वाली रिले एंड टाइमर वाली रिले, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बढ़िया तरीके से ये चार नंबर वाली रिले का वायर कनेक्ट कर देंगे। सर्किट कंप्लीट हो गया, कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आगे को समझिए आगे हमको क्या करना होगा इसमें। ऐसा ये है हमारे पास ऑटो कट सर्किट, और इसमें आपको ये ऑटो कट सर्किट यूज करना पड़ेगा अलग से। तो हम क्या करेंगे जो रिले के जो दो वायर है हमको एक वायर यहाँ पर कनेक्ट करना है ट्रांजिस्टर के बीच वाली पिन पे, हमको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। दूसरा वायर हम क्या करेंगे डायोड का जो पॉजिटिव हिस्सा जो आप देख रहे हैं, एक वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देना है हमको। मतलब कि ये जो रिले के जो दो वायर है हमारे पास, ये जो दिए गए हैं, ये हमको सर्किट से कनेक्ट कर देना है ट्रांजिस्टर के बीच वाली पिन पे, एक वायर को कनेक्ट कर देना है। दूसरा वायर हम क्या करेंगे डायोड का जो पॉजिटिव हिस्सा होता है, वहीं पर ये वाला वायर को कनेक्ट कर देंगे बढ़िया तरीके से जाम कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सप्लाई को समझिएगा, सप्लाई हमको कहाँ पर कैसे देना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये डायोड का नेगेटिव एंड पॉजिटिव का जो हिस्सा आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर देंगे। दूसरा वायर हम क्या करेंगे सर्किट में देखेंगे, ग्राउंड इतना लंबा सा नजर आएगा, यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर देंगे। तो हमको क्या करना है इसमें जो 24 वोल्ट का जो सप्लाई हम कनेक्ट करेंगे वो कैसे करके कनेक्टेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये दो वायर मैंने कनेक्ट कर लिया अपना बढ़िया तरीके से। अब इन दो वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सर्किट है हमारे पास ये माइक्रो कंट्रोलर, हमने इसको जो ये 24 वोल्ट का जो सप्लाई दिया है, इसी सप्लाई को यहाँ से हम खोल लेंगे, और इसी सप्लाई में हम क्या करेंगे बढ़िया तरीके से इसको यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। मतलब कि यहीं से हम सप्लाई पहुँचा देंगे अपना 24 वोल्ट का। तो हम जैसे कर रहे हैं बस ऐसे ही कर देना। अगर आपके सप्लाई में, अगर आपके ट्रांसफार्मर में अगर डबल सप्लाई दिया गया है 22 वोल्ट का हो चाहे 24 वोल्ट का, तो आप चाहें तो वहाँ पर 22 वोल्ट वाला ही सप्लाई अलग से इसको दे सकते हैं। बल्कि यहाँ पर आप 12012 का ट्रांसफार्मर अलग से नहीं यूज कर सकते हैं, आपके पास जो मेन ट्रांसफार्मर का जो सप्लाई है वही सपोर्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है यही 24 वोल्ट का मेन ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई दिया गया है, यही वाला सप्लाई जो है आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है बढ़िया तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया है बढ़िया तरीके से, यहाँ पर हो गया कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, बहुत ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। अब जैसे कि यहाँ से इनपुट हमारा, यहाँ से इनपुट, और यहाँ से आप जो देख रहे हैं यहाँ से हमारा आउटपुट, ठीक है। अब हम टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग में समझते हैं बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला मीटर, तो ये वाला मीटर है आउटपुट मीटर, एंड ये वाला मीटर ये है इनपुट मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम वोल्टेज इसमें दे रहे हैं, मतलब कि इसमें हम लाइन दे रहे हैं अपना, और वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर अभी टाइमर लगा होगा, और आयकर टाइमर अब यहाँ पर समझना है बहुत ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैंने अभी इसमें 100 वोल्टेज दिया है, ठीक है। अब भी 100 वोल्टेज इसमें चल रहा है, और अभी इसमें टाइमर है लगा हुआ, ठीक है। अभी इसका नहीं तो हम टाइमर काटेंगे नहीं, अभी टाइमर इसका टेस्ट कर रहे हैं कि कितने सेकंड एंड कितने मिनट का टाइमर है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं, लाइव टेस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई भी वीडियो में जल्दबाजी नहीं हो रहा है, और नहीं हमने कोई इसमें एडिटिंग किया है वीडियो के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही टाइमर हमारा चल रहा है, ठीक है। और आपको भी टेस्ट यहाँ पर हो रहा है, टाइमर कट गया है, टाइमर पूरा हो गया है, यहाँ पर मुझे आउटपुट भी मिल गया है। यहाँ पर आउटपुट जो मुझे मिला है वो 200 वोल्ट का मिला है 100 वोल्टेज पे, तो अच्छा मिला है, अच्छा काम भी कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। वोल्टेज मैंने बढ़ाया इनपुट में, तो मेरा 250 वोल्टेज पे ये कटअप किया है, और हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं इनपुट में, टेस्ट कर रहे हैं अभी इसको हम, तो यहाँ पर ये दूसरा कटअप भी मेरा 250 पे किया है, एंड और बढ़ा रहे हैं इसको हम, तो ये तीसरा कटअप मेरा लगा है 250 पे भी, फिर और हम और आगे बढ़ाते हैं इसको इनपुट में, और वोल्टेज बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये भी मेरा कटअप जो है 250 पे ही लगा है, एंड और बढ़ाते हैं भाई भी आगे और देखते हैं चेक करके, तो यहाँ पर भी मेरा ये 250 पे ही कटअप लगा है। अब लास्टेड वोल्टेज देखते हैं यहाँ पर, तो हमारा अभी जो है 300 से प्लस होने वाला है,
यहाँ पर क्या हो रहा है कि 300 से प्लस हो चुका है और यहाँ पर अभी हाई कट नहीं हुआ है, तो अभी 320 एंड 330 के आसपास में है। वोल्टेज मैं और बढ़ा रहा हूँ इसमें, अभी देखता हूँ कि हाई कट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। वोल्टेज बढ़ाया थोड़ा सा और यहाँ पर हाई कट हो गया है। अभी ये 340 पे काम नहीं कर रहा है, कैसे करके काम करेगा वो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। आप देखिए जैसे कि मेरा हाई कट पर पड़ा है, तो हमको क्या करना है, ये जो प्रीसेट है ना, इस प्रीसेट को हल्को से घुमाना है, इसको घुमाना है, रोटेट करना है इसको। घुमाया हमने और हमारा जो वो जो हाई कट पे था वो हाई कट पे ही है, लेकिन ये जो है हमको अलग से आउटपुट दिया है इसने, ये हमको अलग से आउटपुट मिला है इमरजेंसी के तौर पे। यहाँ पर इमरजेंसी के तौर पे ये काम किया, कैसे करके काम किया यहाँ पर समझिएगा पहले ध्यान से। देखिए वो क्या रहा है कि यहाँ पर के जो हमारी 4 नंबर वाली रिले है वो तो हमारा पूरा माइक्रो कंट्रोलर सर्किट ऑपरेट कर रहा है उसको, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो 5 नंबर वाली रिले है ये हमारा ऑटो कट सर्किट इसको ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो 4 रिले जो वो तो हमारी माइक्रो कंट्रोलर से ऑपरेट हो रही है, तो वो पूरा ही काम कर रहा है, ठीक है, टाइमर एंड हाई कट का। तो वहां पर ये 5 नंबर वाली जो 4 नंबर वाली जो रिले है हमारी वो हाई कट पे ही है। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 400 वोल्टेज हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं आपको क्या करना है इमरजेंसी के तौर पर, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। जैसे कि हम वोल्टेज को कम किए यहाँ पर, अब मेरा देखिए यहाँ पर हाई कट पे है, मेरा भी यह हाई कट पे है, क्योंकि ये हाई कट पे इसलिए है क्योंकि जो मेरा वोल्टेज जो था वो 330 से प्लस कम हुआ था, तो जैसे ही कम होगा तो वैसे ही वहाँ पर मेरा हाई कट को दिखाएगा। अब जैसे ही हाई कट को दिखाएगा तो यहाँ पर हाई कट मिलेगा। अब जैसे इसमें टाइमर है भी लगा हुआ, अब टाइमर कटेगा तब मैं हाई कट आएगा। देखिए पहले मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ हिंदी में, देखिए अभी तो इसमें टाइमर चल रहा है, ठीक है। अब जैसे कि ये जो छोटा वाला जो सर्किट हमारे पास ऑटो कट सर्किट, तो जैसे कि अगर कस्टमर के यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि भैया वहाँ पे 350 वोल्टेज 370 वोल्टेज अगर पहुँच रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, इस सर्किट को हम क्या करेंगे अपने स्टेबलाइजर में कटिंग करके और अपने बाहर के साइड में लगा देंगे इसको, और वहाँ पर क्या करेंगे कुछ ऐसा उसमें सिस्टम कर देंगे ताकि हम अपने बाहर से इसको जो ऑन ऑफ कर सकें, मतलब कि थोड़ा सा घुमा सकें, थोड़ा सा कम कर सकें। ऐसा सिस्टम आप इमरजेंसी के तौर पर कर सकते हैं हाई कट के टाइम पर। जैसे कि हमारा वोल्टेज बहुत ज़्यादा पीछे से हाई हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि हम इससे अपना आउटपुट इमरजेंसी में ले लेंगे, क्योंकि इनपुट पर अगर हमारा वोल्टेज हाई रहेगा तो फिर वो हाई कट पर पड़ा रहेगा, तो वहाँ पर हमको दिक्कत होगा ना वोल्टेज का। तो इस तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे, और नहीं तो अन्यथा आप ऐसा भी नहीं कर सकते तब भी आपका ये काम ही करेगा, क्योंकि अगर आपको जैसे मान लेते हैं आपने इसको सेट कर दिया, आपने जैसे हमारा 340 पर हाई कट होगा, उसके बाद में फिर हमने अपने आउटपुट को उठा लिया यहाँ से, ठीक है, एक बार में उठा के रख लिया। अब वो बाद में क्या करेगा कि जैसे हमारा लास्ट में जब वोल्टेज और ऊपर पहुंचेगा तो ऊपर ही अपना आप तरीके से काम करेगा। सीधा सीधा भैया यहाँ पर समझिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसा, तो हो सकता है मैं इसका तीसरा पार्ट बनाऊँ, ठीक है। ये तो हमारा दूसरा पार्ट था, अब हम तीसरा पार्ट बनाएंगे, उसमें बिल्कुल बारीकी से क्लियर करेंगे कि आखिर हमको हाई कट कब करना चाहिए, अभी ना करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के अभी यहां पर आपने देख लिया, इसको अच्छे से कर लिया और समझ लिया, अगर नहीं समझ में आया तो मैं तीसरा पार्ट बनाऊंगा, उसमें क्लियर करूंगा आगे, ठीक है। तो भैया यहां पर यह वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो, इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल से मेरे नए हो या पुराने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से ऐसा कुछ भी अधूरा रहेगा तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने उन लोगों का ख्याल रखिएगा।